सब्सक्राइब कीजिए हिंदी स्पेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्पेस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेस अपडेट सीरीज के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप स्पेस अपडेट्स क्या हैं। आज की पहली अपडेट नासा के स्टारडस्ट स्पेसक्राफ्ट को लेकर है। दोस्तों आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 15 जनवरी 2006 को नासा का स्टारडस्ट स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर कॉमेट वाइल्ड 2 से लिए गए सैंपल्स को एक कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर भेजने में सफल हुआ था। और जब नासा के साइंटिस्ट ने इस कैप्सूल में भेजे गए वाइल्ड 2 के सैंपल्स की स्टडी की तो उन्होंने इसकी डस्ट में कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पाया जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन शामिल थे। और इसकी स्टडी में पता चला कि इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद था वह हमारे सोलर सिस्टम के बनने से भी 200 करोड़ साल पहले का था। और नासा के साइंटिस्ट ने कहा कि शायद यही हमारे सोलर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं। आज की दूसरी अपडेट यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ढूंढे गए 3 नए प्लैनेट्स के बारे में है। इन तीनों प्लैनेट्स में से रिसर्चर्स ने ये बताया है कि ये इनमें से जो 2 प्लैनेट हैं उनको हम सुपर अर्थ का नाम दे सकते हैं। और ये प्लैनेट्स Gj-180 और Gj-229 इस रेड ड्वार्फ स्टार की ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं Gj-180d के बारे में। यह अब तक मिले प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा टेम्परेट सुपर अर्थ मानी जा रही है। और ये अपने स्टार से इतनी दूरी पर है कि यह टाइडली लॉक्ड नहीं है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसकी जो कंडीशंस हैं, वो इतनी पॉजिटिव हैं कि यहाँ पर लाइफ इवॉल्व हो सकती है। लेकिन यह Gj-180d हमारी अर्थ से 7.5 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है और यह अपने स्टार का ऑर्बिट 106 अर्थ डेज में पूरा कर लेती है। इसके सिवाय Gj-180 रेड ड्वार्फ स्टार के 2 और प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग कर रहे हैं जो कि Gj-180b और Gj-180c हैं। और यह स्टार सिस्टम हमारे सन से 39 लाइट ईयर्स दूरी पर स्थित है। और जो दूसरी सुपर अर्थ है Gj-229c, यह एक बाइनरी सिस्टम की ऑर्बिटिंग कर रही है। जिन बाइनरी सिस्टम्स में Gj-229a एक रेड ड्वार्फ स्टार और Gj-229b एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार शामिल है। आपको बता दें कि ये जो ब्राउन ड्वार्फ होते हैं ये फेल्ड स्टार्स होते हैं, यानी कि ये गैस जायंट प्लैनेट से तो बड़े होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते हैं कि इनके अंदर फ्यूजन स्टार्ट हो सके। इन दो बाइनरी सिस्टम के ऑर्बिट में जो प्लैनेट ऑर्बिटिंग कर रहा है वह हमारी अर्थ से 7.9 टाइम्स बड़ा है और ये अपने दोनों स्टार्स के ऑर्बिट को 122 अर्थ डेज में पूरा कर लेता है और इसकी दूरी हमारे सन से 19 लाइट ईयर्स की है। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों ही प्लैनेट्स में ये पॉसिबल है कि यहाँ पर किसी प्रकार की लाइफ इवॉल्व हो रही हो क्योंकि इन दोनों प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। आज की तीसरी अपडेट एक और प्लैनेट की डिस्कवरी को लेकर है। अभी हाल ही में यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के रिसर्चर्स ने UVAS इंस्ट्रूमेंट की मदद से जब वो 33 रेड ड्वार्फ स्टार की स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने Gj-180 रेड ड्वार्फ और Gj-229 रेड ड्वार्फ स्टार में ऑर्बिटिंग कर रहे प्लैनेट्स के पता लगाया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक ऐसे प्लैनेट का पता लगाया जो कि एक गैसी प्लैनेट था और यह अपने स्टार Gj-433 रेड ड्वार्फ स्टार की ऑर्बिटिंग कर रहा था। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग Gj-433d किसी भी तरह की लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है और यह हमारी अर्थ से भी 4.5 टाइम्स बड़ा है। लेकिन यह एक गैसी प्लेनेट है और यह स्टार सिस्टम हमारी अर्थ से 29.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। Gj-433d साइंटिस्ट के द्वारा ढूंढा गया अब तक वाइडेस्ट और कोल्डेस्ट नेपच्यून लाइक प्लेनेट है। आज की चौथी अपडेट लुजोन फिलीपींस में हुए वॉल्केनिक इरप्शन को लेके है। जैसा कि आपको पता होगा फिलीपींस के लुजोन इलाके में ताल वॉल्केनो 43 ईयर्स के बाद दोबारा इरप्ट हुआ है। और जब जापान की हिमावारी 8 सैटेलाइट ने इसकी इमेजेस ली तब उन्होंने इस वीडियो को कैप्चर किया जब ये वोल्केनो 14 किलोमीटर ऊपर तक अपने सल्फर और स्टीम से बने बादलों को छोड़ रहा था और लगभग 45,000 से ज्यादा लोग इससे डर कर अपने घर को छोड़कर किसी सेफ जगह शिफ्ट ले चुके हैं। हम आशा करते हैं कि यह वॉल्केनिक इरप्शन जल्द से जल्द शांत हो जाए और यहाँ पर रहने वाले लोग जल्दी से अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।